हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस। सो लुक हियर, तो ब्रेक इवन एनालिसिस का एक्चुअल मतलब क्या है, इन शॉर्ट इसको बीईपी कहते हैं। बट क्यों चाहिए, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन दिखाता है। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन का मतलब क्या है, तो ऐसा होता है कि बिजनेस में सर्वाइव करना है तो नॉर्मली बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं कैसे भी करूं, मेरी फिक्स कॉस्ट बिजनेस की रिकवर हो जाए तो मैं बिजनेस आगे और बहुत अच्छे से चला सकता हूं। कुछ नहीं, प्रॉफिट पहले इनिशियल स्टेज पे मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो ना हो, बट मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया, आई एम हैप्पी विथ दैट। क्यों? क्योंकि आगे बिजनेस रन करने के लिए हमें कुछ दिन और मिल जाएंगे, अच्छे से हमें उतना टाइम मिल जाएगा, है ना। तो चलो कि इसमें स्टेटमेंट कैसे बनता है, पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं पहले। तो यहां पे देखिए, बीई एनालिसिस मींस ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों ऐसा, मैं ये सेंटेंस क्यों आया, क्योंकि बीईपी बताता है कि मेरा इतना इतना सेल्स, इतने इतने यूनिट्स बेचूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसके बियॉन्ड बेच दिया मतलब यूनिट के आगे बेच दिया, जितना मेरा बीपी उससे ज्यादा मैंने बेच दिया तो मुझे क्या होगा, आई एम इन अ प्रॉफिट सिचुएशन। इफ द सेल्स इज लेस देन दिस पॉइंट देन आई एम इन अ लॉस सिचुएशन, क्योंकि मेरा सेल्स मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। जब रिकवर कर पाता है तो बट ऑब्वियस आई एम सस्टेन इन, आई एम वेरी गुड इन माई बिजनेस बट नॉर्मल लेवल पे, बट इफ इट इज अ मोर देन दैट आई विल इन अ प्रॉफिट सिचुएशन। तो इसीलिए द सेंटेंसेस सेज दैट कि ये आपको दिखाता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी बताता है डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट पे। बी एनालिसिस हेल्प्स टू कैलकुलेट द पॉइंट एट विच वी विल फाइंड नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। सो पहले ही बता चुका हूं मैं कि यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मतलब जितनी मेरी कॉस्ट है उतना ही मेरा सेल्स है, जितनी मेरी कॉस्ट है उतना मेरा सेल्स है। दिस इज द मेन मेजर पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। आगे तो देखिए, ये बार आ गया, बार के साथ बना रहे हम स्टेटमेंट अंडर द बीपी एनालिसिस। पर्टिकुलर अमाउंट, सेल्स वैल्यू आ गया, करेक्ट। अभी सेल्स में से ये रेगुलर स्टेटमेंट है, जैसे पहले वीडियो में हमने बनाया था वैसे का वैसा ही स्टेटमेंट है, कुछ बहुत अलग या कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाला कुछ नहीं है। लेस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट द व्हाट, फिर आपको तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस व्हाट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सो द बैलेंस विल बी द व्हाट, जीरो। बैलेंस विल बी द जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इस एनालिसिस में ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। तो इस सिचुएशन पे लाके बिजनेस को खड़ा करना है कि एटलीस्ट मैं आगे के बहुत से साल अच्छी तरह से बिजनेस चला सकूं। की पॉइंट्स ऑफ द बीपी एनालिसिस, बीपी एनालिसिस के की पॉइंट्स क्या है, तो बताता है कि सेल्स इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, मतलब सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम रहेगी तभी तो बीपी एनालिसिस होगा। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का एडिशन, वो एग्जैक्टली सेल्स के बराबर होना चाहिए। आगे इट मींस वी अंडरस्टूड और अंडर द बीपी एनालिसिस वी ट्राई टू फाइंड आउट द सेल्स अ वॉल्यूम एट विच वी कैन रिकवर द एंटायर फिक्स कॉस्ट, मतलब ऐसा वॉल्यूम, ऐसे यूनिट्स कि उसमें मैं मेरी सारी फिक्स कॉस्ट क्या कर सकूं, आई कैन रिकवर इट फ्रॉम द माय सेल्स। तो यहां पे देखिए क्या पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहां पे, बीपी इन सेल्स का फॉर्मूला,
बीपी इन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? नाउ लुक यार, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अभी पीवी रेशियो क्यों आया? बीच में पीवी रेशियो यहां पे आया कैसे? तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है मुझे, यस, तो कंट्रीब्यूशन उतना कमाना पड़ेगा, और कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशनशिप लगाओगे तो आपको यहां पे जो आंसर मिलेगा वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और याद है आपको थोड़ी देर पहले, मतलब इस प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल्स का फॉर्मूला निकाला था। कौन सा फॉर्मूला? सेल्स का। सेल्स इज इक्वल टू द, क्या बताया था मैंने, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आपने लिखा होगा, तो देखिए कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो मतलब आपका सेल्स आता है। ये फॉर्मूला आपको ऐसा नहीं लग रहा है कुछ? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, आप कहोगे कि सर क्या चल रहा है, उधर कंट्रीब्यूशन है, ये फिक्स कॉस्ट। अरे बच्चों, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लाइन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। बीपी एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम होता है, तो जब मैं फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करता हूं इस सिचुएशन में, तो क्या मिलेगा मुझे? सेल्स तो मिलेगा, क्योंकि यहां पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो, दैट विल बी द व्हाट माय सेल्स, और यही भी लॉजिकली मैं वही फॉर्मूला बना रहा हूं, फिक्स कॉस्ट अपॉन द पीवी रेशियो, क्योंकि इसमें बीपी में फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन अमाउंट का अमाउंट सेम ही होता है, तभी तो नीचे आंसर जीरो आएगा, तभी तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आएगा। अंडरस्टूड? तो ये था एक फॉर्मूला जो कि आपको आंसर देता है वैल्यूज में। सपोज इफ यू वांट आंसर इन यूनिट्स, कि कितने यूनिट्स में बेचना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो देखिए बीपी इन यूनिट्स, बीपी इन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इट्स इज एन यूनिट्स। जितने यूनिट्स, मतलब ये यूनिट्स है, इसको मल्टीप्लाइड विद सेल प्राइस करोगे तो आपको सेल्स मिलेगा, और सेल्स को डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करोगे तो आपको यूनिट्स मिलेगा। कुछ में ज्यादा ही होता है ये फॉर्मूलेस, बट कुछ नहीं है, लॉजिकली आपको ये फॉर्मूले सारे सेट करने हैं। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, या तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट द बीपी के फॉर्मूले में ऑलवेज फिक्स कॉस्ट न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा पीवी रेशियो इफ यू वांट टू इन सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इफ यू वांट टू इन यूनिट्स। आगे भी थर्ड फॉर्मूला है, कैश बीपी इन यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट, सारी फिक्स कॉस्ट कैश में नहीं होती, तो कुछ फिक्स कॉस्ट कैश में पे करते हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट नोशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, हर वक्त नहीं होता, बट समटाइम्स 50-50 चांसेस है कि डेप्रिसिएशन इज फिक्स कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो तो नॉन कैश आइटम है, तो फिक्स कॉस्ट में वो भी इंक्लूड होता है, बट उसको हटा दीजिए, सपोज डेप्रिसिएशन रिमूव कर दिया, तो जो भी कॉस्ट आएगी वो कैश फिक्स कॉस्ट आएगी, जिसमें मेरा पैसा जाता है। उसका फॉर्मूला वही है, कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट आएगा, करेक्ट? तो ये थे फॉर्मूले, बट इसके साथ और भी एक फॉर्मूला वो याद रखना है आपको, कि ये देखिए बबल में आ गया, ब्रेक इवन रेशो। ब्रेक इवन रेशो का मतलब होता है बीपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इन टू 100, तो मतलब बीपी रेशो। ये क्या बताता है कि सेल्स के कितने परसेंटेज मेरा बीपी सेल्स है और कितने परसेंटेज मेरा प्रॉफिट वाला सेल्स है। तो मान लीजिए कि मेरा सेल्स है 1 लाख रुपीज, मान लीजिए कि मेरा सेल्स है 1 लाख रुपीज, उसमें से 60,000 सेल्स ऐसा है कि वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आता है, तो वही 60,000 मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इज 1 लाख इनटू 100, तो माय आंसर विल बी द 60%। दैट 60% इज द बीपी रेशियो। मतलब आप किसी को भी बोल सकते हैं कि मेरे टोटल सेल्स के 60% सेल्स जब मैं करता हूं तो वो मेरा बीपी है, उसके बियॉन्ड वाला सारा सेल्स मेरा कौन सा बनेगा, मेरा प्रॉफिट वाला सेल्स बनेगा, बट द 60% सेल्स इज माय बीपी सेल्स। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, तो इस फॉर्मूले से एडिशनल फॉर्मूले भी आप बना सकते हो। तो कैसे? तो देखिए आपको सेल्स पता है और आपको पीवी रेशो पता है,
इफ यू नो द सेल्स, इफ यू नो द पीवी रेशियो, तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो यू विल गेट द फिक्स कॉस्ट इन अ बीईपी सिचुएशन. सेल्स इनटू द पीवी रेशियो यू विल गेट द फिक्स कॉस्ट, करेक्ट. और बीपी यूनिट्स इनटू द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा इन बीपी. मतलब बीपी सिचुएशन के ये सारे फॉर्मूलाज है, करेक्ट. और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सेल्स का फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि मेरा बेसिक फॉर्मूला सेल्स का होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, और बीपी एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट, तो ये फॉर्मूला वहां पे फिट होता है. ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि बीपी को परसेंटेज कैसे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है. तो ये था बच्चों बीपी पे आपका वीडियो, और इसके बाद हम जो वीडियो लेंगे इसके ऊपर हम सम भी लेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी ये है कि ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, और राइट डाउन इट वेन एवर वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. आपके फॉर्मूले आपके सामने होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है. तो बच्चों मैं यहां पे रुक जाता हूं बीपी एनालिसिस के लिए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी एनालिसिस. और इंपॉर्टेंट बात, लाइक और शेयर करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि योर कॉमेंट्स, योर लाइक, योर शेयर इज वेरी वेरी वैल्यूएबल टू अस. ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट. हाय स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में हम देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पढ़ना क्यों है, क्योंकि बीपी के बाद जो जो भी सेल्स होता है बियॉन्ड द बीपी, इफ द योर सेल्स इज बियॉन्ड बीपी, बियॉन्ड मतलब बीपी के बाद वाला आपके पास सेल्स है तो आप प्रॉफिट में हो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब प्रॉफिट होता है तभी ही आती है. तो देखो, सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके लिए पॉइंट क्या है. पहला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ डिफरेंट बिटवीन द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड द ब्रेक इवन सेल्स. सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट, जो मैं सेल्स करना चाहता हूं वो, और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का सेल, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन वाला सेल्स. इट मींस द सेल्स बियॉन्ड द बीपी, मैंने पहले ही आपको बोला था. तो उसमें होता क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट. इफ देर इज अ प्रॉफिट देन देर विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, अदरवाइज देर इज नो मार्जिन ऑफ, क्योंकि प्रॉफिट ही होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, क्योंकि मेरी सारी फिक्स कॉस्ट इज द रिकवर्ड बाय माय ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. तो आगे, हायर एमओएस मतलब हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, हायर द प्रॉफिट. हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, हायर द प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा हायर होता है बच्चों उस सिचुएशन में. तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमने जो स्टेटमेंट देखा था वहां पर मेरा आंसर लास्ट में आंसर था जीरो, बट अभी यहां पे मेरा आंसर क्या होगा. तो नाउ लुक हियर, स्टेटमेंट अंडर द एमओएस एनालिसिस, स्टेटमेंट अंडर द एमओएस एनालिसिस, अगेन यहां पे आएगा पर्टिकुलर एन अमाउंट, फिर आएगा मेरा कौन सा सेल्स. तो यहां पे जो सेल्स है, यहां पे जो सेल्स है दैट विल बी द व्हाट सेल्स बियॉन्ड द बीपी एनालिसिस. सेल्स बियॉन्ड द बीपी एनालिसिस बिकॉज ऑफ द बीपी को माइनस करके, मतलब मेरा टोटल सेल्स इतना है उसमें से इतना बीपी सेल्स है, करेक्ट. तो इसको हटा दो, जो सेल्स बचेगा दैट विल बी द माय एमओएस सेल्स. अगेन सो व्हाट, बायफ्रिकेट करना है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आई विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन. I'll get the contribution. It means the sales minus variable cost is equal to the contribution, and contribution minus what? That's a very important point. Oh, fixed cost is zero. Why? Because of my entire fixed cost is recovered by break even sales. So here in this sales, my fixed cost will be the zero. फिक्स कॉस्ट विल बी द एंटायरली बच्चों जीरो. क्यों? क्योंकि मेरी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय माय बीपी सेल्स, और यहां पे फाइनली मेरा प्रॉफिट आ जाएगा. यहां पे प्रॉफिट होगा बीपी में, यहां पे मैंने जीरो लिखा था क्योंकि वही सेल्स एक्टिविटी है कि जहां पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आता है. तो यहां पे फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आई गॉट द प्रॉफिट और लॉस, यस. बट आपको पता चल रहा है यहां पे कुछ, यहां पे देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस जीरो इज इक्वल टू द प्रॉफिट. तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है इस एनालिसिस में माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट, माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट. ब्रेक इवन एनालिसिस में माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट, बट इन एमओएस एनालिसिस माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट. जितना मेरा प्रॉफिट उतना ही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इन एमओएस.
ब्रेक इवन एनालिसिस में जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन, तो फॉर्मूले तो बनेगी ना। तो देखो क्या लिखा है, तो दिस सेल दैट्स कि वो जीरो क्यों आया, बिकॉज ऑफ द ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट इज एंटायरली रिकवर्ड बाय द माय बीपी सेल्स, सो दैट्स व्हाई द हियर जीरो। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एमओएस एनालिसिस माय कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट, इन एमओएस एनालिसिस माय कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट। अंडरस्टूड? आगे तो पहला वाला फॉर्मूला मेरे पास क्या बनता है, पहला वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला फॉर्मूला क्या बनेगा मैं बताऊ, फॉर्मूला आने से पहले ही, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। देखो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, आप कहोगे कि सेल्स का फॉर्मूला, यस, इस लाइन को जोड़ के देखिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुका कि कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू द सेल्स। यहां पे भी वही है, सिर्फ प्रॉफिट जोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि बीपी एनालिसिस, सॉरी एमओएस एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट होता है। अंडरस्टूड माय? अभी यूनिट में निकालना हो तो क्या आएगा फॉर्मूला, एमओएस इन यूनिट्स इज इक्वल टू द व्हाट, प्रॉफिट अपॉन द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट अपॉन द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये मेरा यूनिट का फॉर्मूला है। तो सेल्स में चाहिए तो पीवी रेशियो से डिवाइड करो। अभी देखिए बच्चों, ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको क्योंकि इतने कैसे याद रखना है, अरे बहुत सिंपल है, बीपी बनाना है तो फिक्स कॉस्ट हटाओ, सॉरी प्रॉफिट हटा दो, फिक्स कॉस्ट लगा दो, और एमओएस निकालना है तो फिक्स कॉस्ट हटा दो, प्रॉफिट जोड़ दो, पीवी रेशियो तो नीचे सेम ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नीचे तो सेम ही है, कोई तो एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी के सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। हाँ, एमओएस में आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो यू विल गेट द प्रॉफिट, एंड द यूनिट्स इनटू द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यू विल गेट द प्रॉफिट। तो कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूले याद रखने, आपको सारे फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। आगे विल जंप ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूला, एमओएस रेशियो, जैसे कि वहां पे मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बीपी रेशियो, नाउ हियर विल लुक एज व्हाट एमओएस रेशियो, MOS सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू द 100। तो थोड़ी लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरा सेल्स 1 लाख है, 1 लाख में से 60,000 मेरा बीपी है, तो 40,000 मेरा क्या है, MOS है। तो इसका मतलब है कि 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख एंड 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ द सेल्स हैविंग अ टू बायफ्रिकेशन, सेल्स के दो टुकड़े करेंगे, एक बीपी सेल्स, दूसरा MOS। जब प्रॉफिट होगा तो सेल्स के दो टुकड़े कब पड़ सकते हैं, जब प्रॉफिट होगा तो, बीपी के कम होगा तो दो टुकड़े आने का सवाल ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ देयर इज अ लॉस। तो बीपी में प्रॉफिट होता है, और सॉरी बीपी में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और एमओएस में प्रॉफिट होता है। तो आपको बायफ्रिकेशन करने के बाद यही फॉर्मूले मिल जाएंगे, जस्ट इट इज अ कन्वर्टेड इन टू द परसेंटेज फॉर्मेट, नथिंग मोर देन दैट। तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इन टू द 100, दैट विल बी द वॉट, एमओएस रेशियो, करेक्ट। एमओएस रेशियो पता होगा तो बीपी रेशियो आएगा, बीपी रेशियो पता होगा तो एमओएस रेशियो। इफ माय एमओएस रेशियो इज अ 75%, सॉरी 25%, इफ एमओएस रेशियो इज 25%, देन माय बीपी रेशियो इज 75%। अंडरस्टूड? कैसे निकाला, कुछ नहीं, ये फॉर्मूले का झोल झाल है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है बच्चों, है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी हो गए, तो इस वीडियो के बाद वी विल सी द सम एग्जांपल ऑन दिस फॉर्मूलाज, और तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इट इज वेरी वैल्यूएबल टू अस, थैंक्स अ लॉट बच्चों।